दोस्तों वन प्लस नोट सी फोर का लॉन्चिंग लैंडिंग पेज अमेजोन और उसके ऑफिशियल साइट पर लिस्ट हो चुका है। ये स्मार्टफोन 1 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है। इसका हम स्पेसिफिकेशंस इस वीडियो में बात करने वाले हैं और साथ ही आपको एक्सपेक्टेड प्राइस बताने वाला है, लगभग ये स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज में आने वाला है, ये सब कुछ हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। तो दोस्तों यहाँ पर डिजाइन देख सकते हैं, आपको बैक में इस तरह का डिजाइन देखने को मिलता है, जहाँ पर कैमरा मॉड्यूल लाइनिंग में देखने को मिलता है। और ये स्मार्टफोन ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है, बट रियर में आपको 2 कैमरा देखने को मिलेगा। एक कैमरा मॉड्यूल के साथ ही आपको LED लाइट दिया गया है, जो कि ऑरा लाइट जैसा डिजाइन दिया गया है। और बैक में आपको कप बैक पैनल देखने को मिलेगा, जो कि ग्लास बैक पैनल के साथ आता है। और फ्रंट में ये स्मार्टफोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ आने वाला है और इसका फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। दोस्तों इसका जो कैमरा मॉड्यूल है, वन प्लस के पीछे के स्मार्टफोन में शायद से ऐसा डिजाइन आया था। दोस्तों बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.7 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट डुअल स्टीरियो स्पीकर विथ डॉल्बी एटमॉस। तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले का क्वालिटी आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ ही आपको इसमें एक्स लीनियर मोटर और NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। IR ब्लास्टर दिया गया है, Wi-Fi 6E देखने को मिलेगा और ब्लूटूथ 5.3 के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। दोस्तों बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि 8.5 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर के साथ देखने को मिलता है। और बाकी दोस्तों LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रैम LPDDR5 कम से कम होना चाहिए था, लेकिन मिला जुला करके ठीक है। और वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स ऑक्सीजन OS 14 के साथ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है और चार्जर 100W का देखने को मिलेगा इस बार। वही दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरा की, तो यहाँ पर दोस्तों कैमरा में पिछले सीरीज से अपग्रेड उतना देखने को नहीं मिलता है। मेन कैमरा सेम सेंसर के साथ आने वाला है। इसके अंदर 50MP सोनी IMX890 सेंसर ही देखने को मिलेगा, 8MP अल्ट्रा वाइड IMX355 सेंसर के साथ आने वाला है और 16MP का सेल्फी सेंसर, ये भी सोनी का ही होने वाला है। कौन सा सोनी का होगा ये सेंसर, ये अभी बताया नहीं गया है। तो तीनों कैमरा आपको सोनी का ही देखने को मिलने वाला है, बाकी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले सीरीज के स्मार्टफोन से कंपेयर किया जाए, तो ज़्यादातर यहाँ पर परफॉर्मेंस में अपग्रेड देखने को मिल रहा है, बाकी चीज़ें लगभग सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों वन प्लस के इस स्मार्टफोन को देखा जाए, तो ये आईफोन के स्ट्रेटेजी को अपना रहा है। मतलब आईफोन के स्मार्टफोन जो भी लॉन्च होते हैं 1-2 सीरीज में सिमिलर स्पेसिफिकेशंस होता है, केवल परफॉर्मेंस और थोड़ा फीचर्स को अपग्रेड किया जाता है। तो ये भी स्मार्टफोन उसी टाइप का देखने को मिल रहा है, केवल परफॉर्मेंस को अपग्रेड करके बाकी चीज़ें सिमिलर रख रहा है। और दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन under 30,000 के रेंज में आने वाला है। under 30,000 के रेंज के हिसाब से देखा जाए तो परफॉर्मेंस इसका अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है और बाकी चीज़ें तो लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वैसे ये स्मार्टफोन 1 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगा। बाकी दोस्तों इस स्मार्टफोन के लिए आप एक्साइटेड है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। और वैसे दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।